हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक न्यू आरएफ कंट्रोलर, जिसमें कि आपको क्या है, ऑडियो का भी ऑप्शन मिलता है। इट मीन्स कि जब आप इसके म्यूजिक मोड को ऑन करेंगे तो आपका जो है ये LED जो है म्यूजिक के साथ सिंक होगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे, म्यूजिक को अलग कुछ भी बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अगर छोटे भी प्रोजेक्ट बनाने होते थे तो हमें SP107 यूज करना पड़ता था, जो कि काफ़ी कॉस्टली आता था। अगर आपको नॉर्मली LED बार बनाने हैं या नॉर्मली छोटा सा घर में लगाने के लिए, डेकोर करने के लिए चाहिए, तो आपके लिए अब ये RF कंट्रोलर आ गया, जो कि आपका रिमोट से भी ऑपरेट करता है और इसमें आपको म्यूजिक मोड भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीन मोड दिया हुआ है, 1, 2, 3, ये आपका ये म्यूजिक मोड है। ठीक है, तो अभी जो है इसमें और 358 मोड्स, मतलब 358 टाइप्स के इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, 350 काइंड्स ऑफ इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पे आपको 358 इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं और जो है म्यूजिक मोड मिल जाता है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि म्यूजिक मोड मिल जा रहा है, तो अभी हम लोग म्यूजिक मोड को टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो ये मैंने लैब बेंच पावर सप्लाई से मैंने LED स्ट्रिप को 5 वोल्ट प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मैं LED अपना प्लग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं ये जो है नॉर्मल मोड में चल रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके रिमोट कंट्रोलर को निकालता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका जो है म्यूजिक के साथ काम कर रहा है। अब दूसरे मोड में जाते हैं, दूसरे मोड में जो है हमारा दूसरे मोड में शायद आई थिंक मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। ये तीसरा मोड है, तीसरा मोड में देख पा रहे हैं कि आप कैसा चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने एक चेक करने के लिए 16x16 का मैट्रिक्स भी ले रखा है, तो हम इसे भी चेक करके देखने वाले हैं। बाकी ऑटो मोड में जब आप क्लिक करेंगे तो म्यूजिक मोड बंद करने होंगे पहले ऑटो मोड के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से बंद नहीं होते, मैं पावर कट करके फिर ऑन करता हूँ। तो ये म्यूजिक मोड में ही है, पावर ऑन ऑफ करने के बाद भी मैं एक बार फिर से पावर ऑफ, मेन पावर से ऑन ऑफ करके देखता हूँ। तो जो भी आपका प्रोग्राम है, अगर आपने म्यूजिक मोड में सेट किया तो म्यूजिक मोड ये सेट हो रहा है। अब जो है हम लोग इसको नॉर्मल मोड में लाने के लिए, ओके, इसमें क्या है कि ये जो है आपको स्पीड का बटन है और मैं समझ रहा था कि ये नेक्स्ट और प्रीव्यू का है। तो यहाँ से आपका मोड चेंज होगा, इसमें 358 काइंड्स ऑफ ऑलरेडी इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप स्पीड भी कंट्रोल कर ही सकते हैं। अब जो है हम लोग इसको LED मैट्रिक्स पे लगा के चेक करते हैं कैसा होता है। तो ये मैं यहाँ से अनप्लग कर देता हूँ। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है LED पैनल का, ये 16x16 का है और यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर को प्लग करते हैं। तो मैं ब्राइटनेस इसका भी कम कर लेता हूँ क्योंकि हमारा LED ज़्यादा है। अभी देख पा रहे हैं कि आप जो है यहाँ तक ही LED ग्लो हो रहे हैं, जबकि इसमें जो है लिखा होगा कि ये मैक्सिमम 2048 LED चला सकता है। ठीक है, तो इसमें कहीं पे मेंशन नहीं है कि कितनी LED चलाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा LED चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहाँ पे 160 में से लगभग ये 150 LED के अप्रोक्स ये आपको चला रहा है। अब इसे हम म्यूजिक मोड पे डालते हैं, म्यूजिक मोड 1, हेलो। तो यहाँ पे देखिए पूरा ऊपर तक जाता है, मैक्सिमम तक। फिर सेकेंड मोड में, सेकेंड मोड में क्या होता है कि आपका जो है ये बीच वाला पोर्शन जो है आपका म्यूजिकली मोड में जाता है।
और थर्ड वाले मोड में आप देख पा रहे हैं ये जो है, जब भी आप बोल रहे हैं जैसे जैसे बोल रहे हैं उतना ज़्यादा बल इसमें छोटे छोटे बॉल जंप कर रहे हैं। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये कंट्रोलर आपको समझ आया होगा कि आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ पे आपको म्यूजिक बार बनाने हैं लंबे लंबे, जैसे LED TV के बगल में लगाना हो या घर में ऐसे जगह पे लगाना हो तो ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐसे ट्यूब के जो है बहुत सारे स्ट्रिप को कनेक्ट करके पैरेलली में और इस कंट्रोलर को लगा करके दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं। वैसे इस कंट्रोलर का कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये RF कंट्रोलर बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, और इसकी जो प्राइस है इसका इसका नाम रख देते हैं RF म्यूजिक कंट्रोलर। इसका प्राइस जो है ₹350 का है, तो आप छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छे से इसे यूज कर सकेंगे। होप सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, और आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।